मैं ना एकदम सामने खड़ी होती हूँ, उसके मतलब हर पोज में मैं खड़ी होकर देखती हूँ, ऐसे ऐसे हूँ, कभी यूं, कभी ऐसे करके अंदर से निकल के ऐसे। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। Never did I give in just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Hello friends, welcome back to my channel. कैसे हो आप सब? I hope मेरे सारे friends बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो ये ब्लॉग है थर्सडे का। मॉर्निंग वॉक हो चुका है। वॉक से आने के बाद सबसे पहला काम किया है मशीन लगाने का। मैंने मशीन लगा दिया है और अभी जाके चाय बनाऊंगी। पहले चाय पियेंगे और फिर वही जो रोजाना का काम होता है वही करेंगे। गर्मी बहुत है फ्रेंड्स, ये देखिए पसीने से हार, कड़क धूप है आज। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और ये देखिए कितना तेज धूप है। और यहाँ पर ये देखिए सरस्वती की पढ़ाई चल रही है। अभी क्लास से सरस्वती का ब्रेक है तो बस तैयारी में लगी है, क्योंकि अगले महीने इसका पेपर है। एग्जाम्स होंगे तो पढ़ना पड़ेगा, इसीलिए अब बीच में त्योहार का सीजन है तो दीदी भी आएगी, थोड़ा मस्ती भी होगा। हाँ। तो पहले से सोच रही है तैयारी करके रख लेने का। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आप सबसे किचन में मिलती हूँ, नाश्ता बनाऊंगी। पैन में मैंने सरसों का तेल ले लिया था और तेल जब गर्म हो गया तो कुंडरू को ऐड कर दिया है। कुंडरू या टिंडली इसको बोलते हैं। कुंडरू को नमक और हल्दी के साथ डीप फ्राई करके निकाल लेना है। तो ये देखिए नमक हल्दी हमने ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लेना है। आज मैं बनाने लगी हूँ कच्चा केला, कुंडरू और आलू की सब्जी। बहुत ही मजे का बनता है फ्रेंड्स और पराठा या चपाती के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो कुंडरू को नमक और हल्दी के साथ फ्राई करके निकाल लेने के बाद फिर कच्चा केला और आलू को भी मैंने ऐड कर दिया है। नमक, हल्दी 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से कच्चा केला आलू को फ्राई कर लेना है क्रिस्पी क्रिस्पी। जब कच्चा केला और आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी फ्राई हो गया है, तो एक बड़ा सा प्याज इसमें ऐड कर देंगे बारीक कट करके और थोड़ी देर सब्जी को सॉटे करेंगे जब तक प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाता। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें एक टमाटर जाएगा बिल्कुल छोटा सा, अगर बड़ा टमाटर हो तो हाफ ही ऐड करना। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम कुंडरू, 2 आलू और 4 कच्चा केला लिए हुए हैं और टमाटर ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है। फिर कुंडरू ऐड करेंगे, 1 टीस्पून अमचूर ऐड करेंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करके ढक के टमाटर के पूरी तरह से सॉफ्ट होने तक सब्जी को पका लेना है। बीच बीच में चेक जरूर करते रहना है ताकि सब्जी पैन से लगे नहीं। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर सब्जी को मैंने पका लिया था, सब्जी बिल्कुल डन है। लास्ट में कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। सिंपल सी सब्जी की रेसिपी है फ्रेंड्स, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी होती है, लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट आइडिया है। दिनेश जी और सरस्वती ऑलरेडी नाश्ता कर चुके हैं, बस एक पराठा मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ। वैसे इस सब्जी को फ्रेंड्स आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं, दाल चावल के साथ भी ये सब्जी बहुत मजे की लगती है। मेरे घर में मोस्टली ये सब्जी बच्चे या दिनेश जी पराठा के साथ खाते हैं या फिर ब्राउन राइस के साथ। तो ये है आज की हमारी सिंपल सी नाश्ते की थाली। सरस्वती का क्या चल रहा है? फैशन शो चल रहा है मेरा। कल ट्राई रूम में सारे कपड़े ट्राई की थी फिर भी इसका मन नहीं भरा। पता है घर में आके ट्राई करने में अलग ही मजा आता है। जस्ट इसका क्लास खत्म हुआ है और ये देखिए लग गई है कपड़े ट्राई करने में। यस, मुझे ना ओवर साइज कपड़े बहुत पसंद है। मैं जो जितने भी कपड़े लेकर आई हूँ मैं सारे ओवर साइज लाई हूँ। ओवर साइज टी शर्ट है और 2 ओवर साइज टी शर्ट है, एक ये है ओवरसाइज काइंड ऑफ। एक बार ट्राई कर चुकी है लेकिन इसका सारे कपड़े को ट्राई कर रही है और दीदी को भी मैसेज कर दी है। दीदी जल्दी से मैं तो दीदी के कपड़े भी पहन के ट्राई करूंगी। बोल रही है दीदी जल्दी से तू क्लास करके आ जा फिर मैं ट्राई करके तेरे कपड़े भी दिखाती हूँ। मिरर है तो यहाँ से मिरर में देख रही है और ये देखिए मेरे हाथ में कपड़े थमाई हुई है और बस ये ट्राई कर रही है।
तो मेरी भी ड्यूटी यहाँ पर लगा दी है। एक ये है, एक ये है, तीन चार पांच, पांच लिए थे इसने, श्रग और श्रग एक, हाँ छह। अब इस तरह तो दिखाई नहीं पड़ती, श्रग पहन, श्रग ऑलरेडी आप देख चुके हो पिछले वाले ब्लॉग में पहन चुकी थी। तो ये छह इसने लिया है और छह सांभवी भी ने लिया है। चलो आप ट्राई करो और मैं चली। अभी मेरा ट्राई में पता होता क्या है, मैं चली लंच बनाने। मैं ना एकदम सामने खड़ी होती हूँ, उसके मतलब हर पोज में मैं खड़ी होकर देखती हूँ, ऐसे ऐसे मैं अभी डांस करके देखती हूँ कि कैसा। अभी ऐसे देखेगी, यूं कभी ऐसे करके अंदर से अब इसको थोड़ी देर रिलैक्स होना है। तो अभी ये एक घंटा इत्मीनान से सारे कपड़े ट्राई करेगी, अपना वाला भी दीदी वाला भी। यस, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है फ्रेंड्स, मुझे लंच बनाना है। होगा नहीं मम्मी ने, आप ट्राई करो और मैं चली लंच बनाने। पेट तो नहीं मानेगा ना, जैसे ही ये काम खत्म होगा जस्ट तुरंत भूख लगेगी इसको। तो खाना कहाँ से मिलेगा, चलिए फ्रेंड्स किचन में लंच बनाते हैं। तो किचन में आते ही सबसे पहले मैंने झटपट से एक तरफ राइस उबलने के लिए चढ़ा दिया है और इधर प्याज और कड़ी पत्ता को मैं सौटे कर रही हूँ तेल में। आज का लंच बिल्कुल सिंपल सा है फ्रेंड्स, सोया बड़ी, आलू की सब्जी, राइस और तिसियोड़ी। तिसियोड़ी बिहार में जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं बहुत खाया जाता है, अलसी के बीज से बनता है। अलसी के बीज में उड़द दाल का बेसन या नॉर्मल चने के बेसन को ऐड करके और उसके छोटे छोटे बड़ी, जैसे उड़द दाल की बड़ी होती है या मूंग दाल की बड़ी होती है, उसी तरह से बड़ी बना के उसको ड्राई करके प्रिजर्व करके रखा जाता है और जब भी खाना होता है उसको हम डीप फ्राई करके खाते हैं। तो तेल में मैंने खूब सारा कड़ी पत्ता का तड़का ऐड कर दिया था, फिर प्याज ऐड करके प्याज को हल्का गुलाबी होने तक सौटे कर लिया, फिर आलू ऐड कर दिया, थोड़ा सा अगेन कड़ी पत्ता ऐड कर दिया था और फिर सारे मसाले जो रूटीन के होते हैं, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और किचन किंग मसाला, हाँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड किए थे और मैंने धनिया, जीरा और तेजपत्ता का मिक्स पाउडर ऐड किया था। मैं एक मसाला तैयार करके रखती हूँ धनिया, जीरा और तेजपत्ता को मिक्स करके, तो वही मैंने ऐड किए थे। तो सारे मसाले ऐड करने के बाद एक मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, फिर टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे और थोड़ा सा करी पत्ता और अगेन मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, फिर इसमें सोया बड़ी जाएगा। तो सोया बड़ी को उबाल के अच्छी तरह से वॉश करके फिर पानी निचोड़ के मैंने ले लिया है। सोया बड़ी ऐड करने के बाद सोया बड़ी के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है और फिर ग्रेवी जाएगा। आप चाहे तो सोया बड़ी को थोड़ा सा फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यह मसाले के साथ ही थोड़ी देर सौटे कर लिया था और ग्रेवी में थोड़ा सा ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ खाना है। और मैंने इसमें गरम मसाला ऐड नहीं किए थे क्योंकि इसमें मुझे आज करी पत्ता का खूब सारा फ्लेवर चाहिए। फ्रेंड्स एक बार करी पत्ता ऐड करके सोया बड़ी की और आलू की सब्जी बना के देखना, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इधर सब्जी बन रहा है और इधर चावल भी बन रहा है, मैं तिसियोड़ी फ्राई कर लेती हूँ। जो लोग बिहार से बिलोंग करते हैं उनको तो ज़रूर पता होगा तिसियोड़ी के बारे में, और जो लोग बिलोंग नहीं करते हैं तो अगर आपके छत पे धूप आता है एक बार बना के देखना। अलसी के बीज में उड़द दाल का पाउडर या बेसन ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड करना है और एक मिक्सर सा तैयार कर लेना है और उसके छोटे छोटे बड़ी बना लेने हैं, उसको सुखा के फिर प्रिजर्व किया जाता है। तो ये है आज की सिंपल सी लंच की थाली, राइस, आलू सोयाबड़ी की सब्जी, तिसियोड़ी, साथ में सैलेड। खाना पीना हो चुका है फ्रेंड्स और ये देखिए सिखा लेके आई थी एलोवेरा का प्लांट। मेरे घर में इसका बहुत खपत है क्योंकि डेली में थोड़ा सा इसका जेल खाती हूँ फ्रेश वाला, और स्किन के लिए भी यूज करती हूँ तो हर चीज में इसका यूज होता है, बहुत खपत है। दो तीन तो लगाए हुए हैं, एक और आज सिखा ले आई थी तो इसको अभी मैं लगाऊंगी। और मेरा जो वो निकालने वाला होता है ना वो टूट गया है, तो आज मैं इसको चाकू से लगा रही हूँ। उसका डंडा होता है ना वो टूट गया है तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा है, उसका नोक जो पीछे का है ना वो चुभता है हाथ में, तो चाकू से लगा रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको लगाते हैं और कपड़े भी मशीन में धुले पड़े हैं सुबह सुबह जो लगाया था, तो कपड़े को डालूंगी और दोपहर तक का काम खत्म। और ब्लॉग भी आज का यहीं तक का है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीक मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और
अगर थोड़ा सा भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करना। बाय।